नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं यहाँ पे मतवल खेत पे आया हूँ। अभी मोटरसाइकिल से देखिए, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है मेरी। मैं अभी आया हूँ जस्ट, तो मैं यहाँ पे खेत पे जा रहा हूँ। कहीं गाय फाये तो कल हमने तार लगाए थे तो उन्हें देखने आया हूँ। तो ये विष्णु है मेरे साथ, हम दोनों देखने आए हैं। हमने तार लगाए थे, कहीं गाय ने कोई तार हैं जो कहीं टूट तो नहीं दिए, तो इसलिए मैं देखने आया हूँ दोस्तों। हैं ढीले ना है तार हैं। तो एक गाय के लिए लगाए थे दोस्तों हमने ये तार। और मैं आपको बता दूं, देखिए सरसों कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। ये खेत है दोस्तों। ये यार विष्णु, ये तो खब रही है यार। ये कब की खब रही है दोस्तों? जैसे ये आपको दिख रही है ना, ये सगरी गाय ने खाई है। आज की तो नहीं लग रही मुझे ये खबी हुई, आज की तो नहीं है, ये कल की है। तो यही मेन कारण है यार, फसल बोना यार काफी मुश्किल हो गया है यार। तो दोस्तों यहाँ पे तार लग जाने के बावजूद भी यार गैया रुक नहीं रही है यार, काफी मुश्किल है यार फसल पाना। हमने यहाँ पे ये तार लगाए थे, मतलब तार नीचे रह गए, तो गैया जैसे खुर देख रहे हो ना आप, तो रात को गैया आई थी या दिन में भी आई थी। तो ये हमने ये लगा दिए, लकड़ी और लगा दिए। मैं और भी मंगा रहा हूँ विष्णु पे, ताकि गैया ना कूदें इसमें। अच्छी तरह से बंदोबस्त करना है इनका, नहीं तो यार फसल नहीं होगी बिल्कुल। लागत भी जितनी लगाई है उतनी भी नहीं उठा पाएंगे। दे यार जहाँ में ज़्यादा बेई ना, ऐसे ऐसे भी यहाँ लगा। हाँ गढ़, तो दोस्तों मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारा मतलब आप गांव देखें, गांव के घर कैसे होते हैं, गांव की रह हलचल क्या रहती है। तो मैं आज कोशिश करूँगा दिखाना। लोगों को पसंद नहीं आता है वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो में आना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो दिखा सकूँ, गाँव के घर दिखा सकूँ, गाँव के रोड दिखा सकूँ। तो मैं यहीं से, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं, पूरा पूरा कोशिश करूँगा आपको वीडियो में दिखाने का। मोटरसाइकिल स्लो स्लो ले जाऊँगा जैसे ही गांव आएगा, ठीक है दोस्तों? वीडियो पूरा देखें। ये काफी पकड़ ले, ये तो आदत को काम कर ले, जो कोई महसूस ना हो। चालू कर रहा था ना, रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, कर रहा था रिकॉर्डिंग में नहीं, चालू है। अगर जो भी भाई और बहन इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर लें यार। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। और मैं ऐसी वीडियो नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखकर आप बोर हों, आपको अच्छी नहीं लगे। मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें यार। जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप वो नहीं देख पाएंगे अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे। मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको अच्छी लगे। अगर मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप में बदलाव कर सकूँ, मैं वीडियो बनाने का तरीका बदल सकूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके हिसाब से वीडियो बनाने की। तो प्लीज़, आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले यार लाइक तो कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप डट के वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए कि मैं रास्ते में वीडियो बनाते हुए जा रहा था, तभी अचानक ऐसा देखा मैंने, आप भी चौंक जाएंगे, उसको देखकर आप भी अचंभा कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो बच्चे निकल के आ रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। भाई बंदा ईंट उठा के मारता है उस बच्चे के ऊपर, और वो वास्तव में उसके सर पे ईंट लगती है और उसका सर फूट जाता है, खून निकल आता है। मुझे घर पे जाके पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था रास्ते में।
दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि गांव में रिकॉर्डिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है, लोग पसंद नहीं करते वीडियो में आना। तो ऐसे ही मेरे कुछ साथ हुआ था, ये जो बाइक वाला जा रहा है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, तो ये मुझे घूरना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये घूर रहा है, मुझे देखिए किस प्रकार घूर रहा है, देखिए। तो भाई ये घूरता है और सीधा फिर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा बिल्कुल बेपरवाह, कोई टेंशन नहीं, अकेला घूम रहा है। अभी कोई बाई चांस इस बच्चे में ठोक जाता है ना, गाड़ी टकरा जाती है, तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। तो गांव के जो क्षेत्र होते हैं उनमें गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही स्लो जाना पड़ता है, पता नहीं चलता कहाँ से कब कौन निकल आता है। तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है भाई, टाइम अभी करीबन आपको दिखाता हूँ टाइम कितना हो रहा है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:45 बज रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे गांव में कितना जल्दी रोटी खाते हैं यार। देखिए यहाँ पे सब्जी भी बन रही है, तो सब्जी दिखाता हूँ किसकी बन रही है। भाई साहब कितने खतरा की घंटी है ये, हीटर जल रहा है नीचे, देखिए हीटर पे, और वो रखी है कढ़ाई लोकी और उस पे बन रही है गाजर। और दोस्तों देख सकते हैं घर में चल रही है टीवी, ये गोपी ना तो कितने गोपी देखेगी, 6 बजे अब भाई ते रात के 10 बजे एक नाटक खत्म हुई, गोपी है वो का दायो है वो। यार घर पे ना अनीति हो रही है यार, शाम को 4 बजे घुसते हैं टीवी में और सीरियल ही सीरियल, रात के 11 बज जाते हैं, किसी किसी दिन तो जैसे कोई महा एपिसोड आ जाता है तो 12 भी बज जाते हैं यार, टीवी बंद नहीं करते यार, कमाल है। ये गलत है यार, टीवी सीरियल बंद होने चाहिए मेरे हिसाब से यार, बहुत बेकार चीज़ है ये। देखना है तो मूवी देखो यार, इतनी सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी आ रही है वो देखो, ये इनमें सीरियलों में क्या रखा है, नहीं देखना चाहिए सीरियल, बहुत बेकार चीज़ है भाई। मेरा सुचेशन तो यही है, आप बिल्कुल सीरियल मत देखो ना, देखने दो, मूवी देखो यार जितना हो सके, आप कोई एक्शन मूवी देखो, लव स्टोरी देखो, बहुत सारी एडवेंचर मूवी देखो, घोस्ट मूवी देखो, पर सीरियल मत देखो यार। नमस्कार देवी और सज्जनों, सुबह के बज रहे हैं 6:06, देख सकते हैं चारों तरफ धुंध है गांव में हल्की फुल्की। ये भाई गांव में सुबह सुबह देख सकते हैं किस माहौल का होता है। और यहाँ पे ऑल फैमिली वो लाली डोल रही है हमारी, और इस पे बन रही है चाय। मस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सबके लिए। तो दोस्तों बता दूँ आज टाइम हो रहा है करीबन 6 बजे हुए हैं, सकते हैं हमारी लाली जी गुड़िया रानी, और इधर आ गई चाय लाला है का खाएंगे बिस्कुट खाएंगे, बिस्कुट ले भी चले हैं कहाँ, दुकान पे हैं
खजान की दुकान पे चले। चल ठीक है, बिस्कुट ले आऊं मैं। या लाली को ना खवा मैं, हमारे बाबू खाएगो ना। सगे आप ही ले खावे को है तो पीट है खा दे तो मैं। और तू पीटो है हाँ। बहुत जोर से पीटो हाँ। रो के होती हो, कैसे रोए हो तू? हाँ पीछे पीछे और पीटो हाँ। या लाली का करेंगे ना पीटेंगे। और का करेंगे कहते हाँ। और हाथन ने मैं पकड़ूंगा, पाँव ने कौन पकड़ेगा? और कहाँ फेंक कहेंगे? छत पे, खेत छत पे तो खेत में फेंक कहेंगे। हाँ गैया तो खा जाएंगी या है? ओए लाली 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 ओए लाली ने नीचे मोड़ो कर रखो है। तो दोस्तों फाइनली सूरज निकल चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ते में भरा हुआ है पानी। मैं बच्चे के लिए बिस्कुट गिता के मैं सीधा आ गया इधर खेतों की तरफ। और ये सुबह सुबह का माहौल है, देखिए सूरज निकल रहा है। ये करब रखी है चारे के लिए। तो बस भाई दोस्तों ऐसे ही सूरज निकलता है डेली जैसे निकल रहा, और ऐसा ही मौसम होता है। तो पास में ही मेरा मौसी का घर है, तो मैं मौसी घर जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कैमरे पोस्ट पड़ गया, मैं मौसी घर जा रहा हूँ। हाँ चाय बन रही है। हाँ बन रही है, चाय पियो। ये चाय बन रही है गर्मा गर्म। चाचा और मौसी बैठे हुए हैं। हाँ चाचा और मौसी बैठे हुए हैं दोनों। तो दोस्तों एक पुत्र सूरज दिखा देता हूँ आपको, देखिए देखिए सूरज वो निकल रहा। आई सूरज पूरी तरह से कंप्लीट निकल आया है देखिए। और चाचा बैठा है यहाँ बीड़ी पीने लग रहा है। और देखिए विष्णु यहाँ अभी जग के आया है भाई, अभी अभी ताजा जग के आया है। और आके नहीं सीधा चूल्हे पे, क्यों चूल्हे में आँच जल रही है। और इधर बैठी है पूजा जीजी हमारी छोटी सी गुड़िया रानी, ले लो। और एक ले लो यहाँ में सो रही होगी ईश्वरी। ले 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 सो 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 सो। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक करें, लाइक तो बनता है यार। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो हो, फिर पार्टों में डालनी पड़ती है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।